हेलो दोस्तों नमस्कार, और इस समय आप देख रहे हो टेक्निकल मोरल एंड फन चैनल, और मैं मोरल और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए कुछ नई जानकारी लेके आऊँगा, तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ यूट्यूब के बारे में। जो बहुत सारे नए यूट्यूबर्स होते हैं वो बहुत बहुत अलग प्रकार की वीडियोज़ बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं और सोचते हैं कि उनकी अर्निंग हो जाएगी, लेकिन उनको व्यूज़ ही नहीं मिल पाते। तो क्या आप भी अपने वीडियोज़ को वायरल करना चाहते हो, और क्या आप भी अपने वीडियोज़ को वायरल करके उससे अर्निंग करना चाहते हो, लेकिन आपको ऑडियंस ही नहीं मिल पाती और आपकी एंगेजमेंट नहीं बढ़ पाती, उसके कारण यूट्यूब का एल्गोरिथम है जो वो आपको ऐड नहीं देता। अगर आप भी आपकी वीडियोस को वायरल करके उससे मनी अर्निंग करना चाहते हो, तो मैं इसके बारे में आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो उससे पहले जो मेरे नए दर्शक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जिसके कारण मेरी जो आने वाली नई वीडियो होगी उसके आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें लिख दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आप अपने वीडियो को किस तरह से यूट्यूब के माध्यम से वायरल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सिंपल सी तीन बातें हैं। दोस्तों अगर आप अपने वीडियोज़ को वायरल करना चाहते हैं, आप अपने वीडियोज़ पर एक दिन में 10,000, 15,000 या 25,000 तक व्यूज लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका थंबनेल। बहुत सारे यूट्यूबर जो है, नए यूट्यूबर, उनको थंबनेल के बारे में पता नहीं होता, लेकिन थंबनेल जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, और वही एक ऐसा माध्यम है जिससे 90% लोग आपके वीडियोज़ को देख पाते हैं। मतलब अगर कोई बंदा है वो सोच रहा है कि यूट्यूब पर सर्च कर रहा है कि सर, जो एक नया बंदा है और यूट्यूब पर सर्च कर रहा है कि नया मोबाइल कौन सा है या फिर नया मोबाइल कौन सा लेना चाहिए, इस टाइप का कुछ भी हो, गूगल पर सर्च कर रहा है या फिर यूट्यूब पर सर्च कर रहा है, तो उसके ऊपर कैटेगरी की बहुत सारी ढेर सारी वीडियोज आ जाएंगी, और उस पर लिखा होगा कि आप तो देखते हैं, एक ब्रैकेट होता है उस पर लिखा होता है कि हाँ 2019 में ये मोबाइल लीजिए। तो इस टाइप का जो लिखा होता है उसे थंबनेल बोलते हैं। आप उस पर क्लिक करते हैं, 5 से लेकर 7 या 8 मिनट तक वीडियो होती है, आप उसको देखते हैं, तो उसको बोलते हैं थंबनेल। अगर आपको थंबनेल पता नहीं कि किस तरह से बनाना है, उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि थंबनेल किस तरह का हो और थंबनेल किस तरह से बनाया जाता है, मैं उसके एक अगली नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। तो पहले बता दें थंबनेल क्या होता है। थंबनेल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण आपकी एंगेजमेंट आपकी ऑडियंस के साथ बढ़ती है, आपके चैनल पर व्यूज आते हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात है थंबनेल। तो दोस्तों थंबनेल जो है उसको आपको अच्छे से डिज़ाइन करना चाहिए। आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर पिक्सेल लैब से थंबनेल अच्छा चूज कर सकते हैं। लोग आपका जो वीडियो होगा वो सजेस्टेड में दिखाया जाएगा। दोस्तों मुझे पता नहीं था कि पहले थंबनेल किस तरह से बनाया जाता है, मैंने यूट्यूब से ही सीखा कि थंबनेल किस तरह से बनाया जाता है, और उसके कारण मेरे जो वीडियोज वो सजेस्टर में आ रहे हैं। मेरी जो पहली वीडियो थी रैम और रोम का डिफरेंस बताने वाली, वो रैंक कर चुकी है, और वो अगर आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे रैम और रोम के बारे में हिंदी इस तरह से कुछ लिख देंगे, या फिर रैम और रोम का डिफरेंस इन बिटवीन हिंदी ऐसा इस टाइप में कुछ लिखेंगे, तो मेरी आपको वीडियो ऊपर से 3 नंबर में रैंक में दिखाएगी। तो इसी तरह से अगर आप भी अच्छा थंबनेल बनाते हैं तो ही आपकी जो वीडियो है वो सजेस्टर में दिखाई जाएगी, और आपका भी चैनल या फिर आपका जो वीडियो है वो वायरल हो जाएगा। ये तो बात हुई थंबनेल के बारे में। दूसरी बात है दोस्तों टैग्स। अगर आपका जो प्रॉपर टैग है वो सही नहीं होगा तो आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, आपके वीडियोस के ऊपर ऐड नहीं आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉपर टैग चुनिए। मतलब आप एक वीडियोज़ बना रही है एक विषय के संदर्भ में कि मोबाइल कौन सा लेना चाहिए, तो आप उसमें गूगल पर जाइए, उस पर टाइप कीजिए कि मोबाइल किस तरह से कौन सा परचेस करें या फिर मोबाइल कौन सा लेना चाहिए। इस पर इसको जब आप गूगल पर टाइप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे सुझाव आ जाएंगे, तो उसमें से एक कॉपी कर लीजिए और उसी टैग को आप अपने वीडियोज़ के टाइटल पर लगा दीजिए। इससे क्या होता है कि अगर कोई बंदा गूगल पर सर्च करे कि मोबाइल कौन सा ले, तो वो आपकी जो वीडियो है वो YouTube पर दिखाई देगी और Google पर भी सजेशन में दिखाई देगी, तो इससे ये फ़ायदा होता है। तीसरी बात होती है डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे टैग लगा सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी आपका वीडियो जो है वायरल हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों 3 बातों का ध्यान रखिए।
आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात आपका जो टैग है वो प्रॉपर और सही होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बहुत सारे टैग लगा सकते हैं, इसके माध्यम से आप अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं।